हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग कुछ इस तरह का एडिट करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको स्नैपसीड ओपन करना है और यहाँ पे अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लेना। ये जो बीच में पेंसिल वाला आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और ये विंटेज वाला आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक करके, ये बीच में जो एडजस्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और इसको सैचुरेशन को -100 कर देंगे, और ये इसका स्टाइल स्ट्रेंथ है इसको भी -0, और यहाँ से इसको डन कर देंगे। और यहाँ पे जो अंडू वाला ऑप्शन दिख रहा है एकदम ऊपर, इस पर टाइप करके, ये व्यू एडिट है इस पर टाइप करेंगे और ये कुछ ऐसा खुल के आएगा। ये जो विंटेज वाला ऑप्शन दिखा रहा है इस पर क्लिक करेंगे, ये बीच में जो पेंसिल वाला आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक करके, यहाँ पे ये इस पर क्लिक करेंगे और ये कुछ ब्लैक एंड वाइट जैसा हो जाएगा जैसे हमने पहले बनाया था। यहाँ पे अपने मॉडल का फेस जो है इसको ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल में कर लेंगे। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो गाइज, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो ला सकूं। तो गाइस, इरेज करने के बाद यहाँ से हम डन कर देंगे और ये जो एरो वाला एरो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पेज पे पहुँच जाएंगे। ये जो पेंसिल वाला आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक करके डबल एक्सप्लोजर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो ऐड फोटो का ऑप्शन दिखा रहा है इस पर क्लिक करके ये बटरफ्लाई वाला सीबी बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे जो बीच वाला दिख रहा है पे क्लिक करेंगे, और ये जो ऐड वाला ऑप्शन दिखा रहा है इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से डन कर देना। वापस पेंसिल पे जाके डबल एक्सप्लोजर पे क्लिक करेंगे और वापस एक और फोटो ऐड करेंगे। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अरे यार, ये क्या हो गया, इसको भी ऐड कर देना और इसको थोड़ा सा लो कर देते, इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा लो कर देते और यहाँ से इसको डन कर देना। वापस अंडू वाले ऑप्शन में जाएंगे और व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे, ये जो डबल एक्सप्लोजर वाला ऑप्शन दिखा रहा है इस पर क्लिक करके, तो बीच में जो आइकॉन दिखा रहा है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आइकॉन दिखा रहा है इस पर क्लिक करके, जो बीच बीच में डॉट दिखा रहा है ऑरेंज कलर का इसको इरेज कर देंगे। यहाँ पे जो डबल एक्सप्लोजर है यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, -0 कर देना है, अभी ये इरेज होगा। सो गाइज, आप लोग ध्यान में रखना, ये जो डबल एक्सप्लोजर है अगर आप इसको 100 करेंगे तो इरेज नहीं होगा, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा, -0 कर देना तो इरेज होगा। यहाँ पे रफ करने के बाद, इरेज करने के बाद यहाँ से इसको डन कर देना। ये जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करके, यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिखा रहे हैं इस पर क्लिक करके इसको सेव कर देना। सो गाइस, जिस फोटो को हमने स्नैपसीड में एडिट करके सेव किया था इसको लाइटरूम में ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है।
ये देखिए सक्सेसफुली इम्पोर्टेड दिखा रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे फ़ोटो ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके जाना है नीचे। यहाँ पे ये जो स्क्वायर वाला आइकॉन दिखा रहा है इस पर क्लिक करेंगे और ये विग्नेट वाला जो ऑप्शन है इसको -38 कर देना और ये जो क्लैरिटी दिखा रहा है इसको +24 कर देना। और यहाँ पे जो कलराइज्ड वाला ऑप्शन आइकॉन दिखा रहा है इस पर जाके ये जो येलो कलर दिखा रहा है इसका ह्यू जो है -100 कर देना। और सैचुरेशन को +78 कर देना। और यहाँ से इसको डन कर देना। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फोटो जो है रेडी हो चुका है। सो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना और लाइक भी कर देना।